नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लोगों के लिए बहुत ही काम का है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अक्सर क्या होता है, कभी कभार शटल में जो डिब्बी है वो फंस जाती है, उसको किस तरीके से निकालें और दिक्कत कब आती है मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत जब आती है जब आप निकालते हैं और ये पत्ती भी आपकी इसकी टूट जाती है डिब्बी की। जब पत्ती टूट जाएगी तो निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पत्ती जो है इस तरीके से इसकी निकल जाती है, तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो है इसमें पत्ती नहीं है, ये वाली, ये जो लगी होती है इसमें क्या होता है, इस तरीके से लगी होती है, तो इसको खींच के इस तरीके से और डिब्बी को निकाल देते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं ये चीज़, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये डिब्बी अब फंस चुकी है, अब ये निकलेगी नहीं क्योंकि ये पत्ती नहीं है। तो ये होता है अक्सर क्योंकि फंस जाती है, जब अब फंसती क्यों है तो इस ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसके अंदर जो है, जब धागा अंदर साइड में फंस जाता है ना, शटल में अंदर साइड में, तब ये फंस जाती है। अब फंस जाती है उसके बाद फिर खींचने में इसमें दिक्कत खींचते हैं लोग, तो ये निकल जाती है, निकल भी जाती है कभी कभी, टूट भी जाती है, तो ये चीज़ होती है। तो इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा तो वो भी मैं बता देता हूं। तो फिर वह आपको बताते हैं इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये चिमटी है, ये चिमटी, या आपके पास अगर चिमटी नहीं है तो आप जो है ये ले सकते हैं कील, इस तरीके से। ये थोड़ी सी मोटी है कील, आप इसके थोड़ी पतली लें तो आप बेहतर रहेगा। बस नुकीली चीज़ आपकी यहाँ पर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जो है, एक तो आपको ये सुई की ज़रूरत होगी, मशीन वाली सुई जो अक्सर मिल ही जाती है, क्योंकि जब काम करेंगे तो सुई तो होती है, एक दो पड़ी हुई या टूटी हुई सुई हो तब भी उससे भी काम चल जाएगा। तो बस यही चीज़, दो चीज़ें चाहिए होती हैं और कुछ चाहिए नहीं, और फटाक से आपकी ये डिब्बी निकल जाएगी। तो चलिए आप दिखाते हैं किस तरीके से इसको निकालना है। तो आप अगर कील पतली हो तो पतली भी ले सकते हैं, मोटी हो तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से निकालना है। तो चलिए हम चिमटी से निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो देखिए खूंटी होती है यहाँ पर आप डिब्बी की, तो इस खूंटी के ऊपर इस तरीके से रखना है आपको ये चीज़, ठीक है, चिमटी इस तरीके से फंसाना है और इसको ऊपर के लिए करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, ऊपर के लिए। ज़्यादा अंदर नहीं बिल्कुल डालना है, बस यहाँ पर बस ये फंस जाए अंदर जो है, चिमटी थोड़ी सी डालना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करने के बाद ऊपर के लिए खींच दें और फिर आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये पेंच है, ये पेंच है, यहाँ पर ये पत्ती है, तो पत्ती पर आपको सुई जो है वो इस तरीके से करना है और बाहर के लिए खींच देना इस तरीके से। तो ये देखिए, ये तो निकल गई है, आराम से इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये निकल गई है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से, ये निकल आएगी। अब ये देखिए पत्ती जो है, अगर धागा भी फंसा होगा तो आराम से निकल आएगी ये, इसमें आपको शटल में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको जो है, इस पत्ती को दोबारा कैसे डाल सकते हैं। अगर आपकी टूटी नहीं है तो आप इसको दोबारा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको डाल देंगे यहाँ पर, लेकिन इसको, इसका डालने का दोस्तों वीडियो हमने पहले ही इसको बना रखा है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के आखिर में भी ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख, इस वीडियो को भी ज़रूर देखें कि ये पत्ती इसमें कैसे डालते हैं, तो इस वो भी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी और आप अच्छे से बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको भी बहुत आसानी से डाल सकते हैं, और कुछ हमसे कमेंट में पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।